की वीडियो में मैं आपको सिखा रही हूँ दीपावली पूजन की बिल्कुल सरल और सटीक विधि। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने एक चौकी लेनी है या पाटा लेना है और उसके बाद आपने चौकी या पाटे के ऊपर एक कपड़ा बिछा देना है। मेरी चौकी बड़ी है इसलिए पहले मैं इस कलर का कपड़ा बिछा रही हूँ। अगर पाटा छोटा हो तो आप सीधा लाल कपड़ा भी बिछा सकते हैं। अब हमने ऊपर से बिछा दिया इसके लाल कपड़ा। लाल कपड़ा आपके पास बड़ा हो तो पूरी चौकी पर वो बिछा दें। अब एक लोटे में पानी लेकर उसमें मैंने डाला है गंगा जल और गंगा जल को हम पूरे आसन में और जहाँ भी हमने लक्ष्मी गणेश विराजित करने हैं और आसपास जहाँ भी हम बैठकर पूजा करेंगे सब जगह हमने इस जल को छिड़क देना है, यानी पूरा हमने जो स्थान है वो पवित्र कर देना है। अब सबसे पहले आपने चौकी पर विराजित करने हैं गणेश भगवान। गणेश जी को सबसे पहले विराजित कीजिएगा और गणेश जी के सीधे हाथ की तरफ आपने रखना है लक्ष्मी माता को, यानी लक्ष्मी माता को विराजित करना है। ये ध्यान रखिएगा गणेश जी के मतलब दाएं हाथ की तरफ ही लक्ष्मी माँ विराजित होंगी और हनुमान जी को विराजित करना है तो लक्ष्मी माता के बगल में हनुमान जी विराजित होंगे। पहले गणेश जी, फिर लक्ष्मी माता, फिर लक्ष्मी माता के बगल में हनुमान जी, अगर आपने हनुमान जी भी पूजा में विराजित करने हो तो। अब अपने चारों दिशाओं में आपने जल छिड़कना है, यानी चारों दिशाओं को आपने पवित्र करना है। मन, क्रम, वचन सबसे जो है साधन पवित्र हो जाए। अब आपने संकल्प लेना है, यानी आपने हाथ में चावल लेने हैं और कहना है मैं अपने परिवार के साथ पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ ताकि मेरे घर में लक्ष्मी का स्थायी निवास हो और गणेश भगवान जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें। और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करनी है कि विरोधियों से और मुकदमों से हमें बचाए रखें। अब ये संकल्प किए हुए जो चावल है वो आपने लक्ष्मी गणेश जी के नीचे यानी कि पैरों में रख देने हैं। अब हम एक दीपक लेंगे, उसमें घी रखेंगे, घी का ही दिया जलाया जाता है। और उसके बाद हमने क्या करना है कि दो लंबी बत्ती लेनी है और उनको क्रॉस करके हमने इस तरह से रखना है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस तरह से। और एक बत्ती का जो मुंह है वो लक्ष्मी जी की तरफ होना चाहिए, तो लक्ष्मी जी की तरफ बत्ती जरूर होनी चाहिए, तो ये चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब आपने सबसे पहले पीले फूल, गणेश जी को पीले रंग के फूल ही चढ़ाए जाते हैं, तो आप गेंदे की माला ले सकते हैं या पीले कोई भी फूल हो तो पीले फूल आपने चढ़ाने हैं। और धूप गणेश जी को अर्पित की जाती है, धूप आपने अर्पित करनी है। और पीला वस्त्र, पीला वस्त्र कोई भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर पीला कलावा लिया है तो मैं दिखाने के लिए आपको बता रही हूँ कि किस तरह से करना है। ये दिवाली पूजन मैं अभी नहीं कर रही हूँ तो मैंने आपको बताया किस तरह से करना है। अब लक्ष्मी जी को आपने लाल फूल अर्पित करने हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं और मैंने गुड़हल का फूल लिया है और लाल वस्त्र अर्पित करने हैं। लक्ष्मी जी के साथ में हनुमान जी होंगे तो हनुमान जी को भी आपने लाल फूल अर्पित करने हैं और आपने लाल वस्त्र, तो यहाँ भी हनुमान जी का चोला वगैरह होता है तो जैसे आपके सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप वस्त्र भगवान को अर्पित कर सकते हैं। अब आपने जो एक धूप बत्ती है, धूप बत्ती को भी आपने बनाकर पहले से ही, हाँ ये सब काम आप जो मुहूर्त होता है उससे पहले ये सब कर लेना, तैयारी पहले ही हो जानी चाहिए। मुहूर्त स्टार्ट हो जाए उसके बाद ये तैयारी नहीं करनी है। अब गणेश भगवान की आपने तिलक लगाना है, तिलक वगैरह तो बाद में लगाया जाएगा जब पूजा स्टार्ट करोगे, पर ये बत्ती वगैरह सब बना के रख लेना। और लक्ष्मी जी को लाल सिंदूर का और हनुमान जी को भी सिंदूर का ही तिलक लगाया जाता है। गणेश जी को मैंने लगाया है पीला चंदन। अब एक लोटा लेना है, लोटे में गंगा जल डालना है आप पानी में, मैंने बताया था। और आम के पत्ते या मैंने यहाँ पे अशोक के पत्ते लिए हैं, अगर आपके नारियल रखा जाता है फिर आपने कलावा बांध देना है तो आप नारियल रखेंगे। हम लोग नारियल नहीं रखते हैं, हम खाली नवरात्रों में रखते हैं। फिर इसमें स्वास्तिक बना करके आपने लोटे के ऊपर नारियल रख देना है, पंच पल्लव रख के। आप आम के पत्ते ले सकते हैं, अशोक के पत्ते ले सकते हैं या पांच तरह के पत्ते कोई भी आप ले सकते हैं, 7 पत्ते, 9 पत्ते, 11 पत्ते, जितने भी रखना चाहे। चावल रखना मैं भूल गई थी लोटे के नीचे, तो चावल रखकर ही आप जो कलश है उसको स्थापित कीजिएगा। और हाँ, नारियल पर भी आपने कलावा बांधना है या चुन्नी बांधनी है। और
अब आपने जो आपकी ज्वेलरी है कुबेर जी को कुबेर जी का स्थान मानकर, तो यहाँ पर आपने जैसे चांदी का सिक्का, जो भी ज्वेलरी आपने धनतेरस को खरीदी हो या आपके पहले की ज्वेलरी है, वो सब आपने कुबेर जी को, कि यहाँ पर कुबेर जी विराजित है, उनके स्थान पर आपने रखा है। और लक्ष्मी जी को हम लोग दिवाली पर जो खीर है, बाजार की मिठाई नहीं चढ़ाते हैं, खीर बनाकर खीर का भोग लगाते हैं, तो सफेद चीज का भोग लगेगा लक्ष्मी जी को, और गणेश जी को लड्डू का भोग लगेगा, और हनुमान जी को लगेगा बूंदी का या फिर बूंदी के लड्डू, और गणेश जी को बेसन या बेसन के लड्डू, मतलब बेसन के लड्डू का भोग लगेगा। तो पीली मिठाई गणेश जी को चढ़ाई जाती है। अभी मैं दीप अगरबत्ती प्रज्वलित नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर रही हूँ, खाली बताया है आपको। जब आप पूजा करोगे तो दीप और जो धूप बत्ती है उसको प्रज्वलित कर लेना, और आपने सबसे पहले गणपति जी का मंत्र 11, 21, 31, 108 जितनी बार भी आप कर सके, ओम गं गणपते नमः, इस तरह से करना है। तीनों ही ये बीज मंत्र है। लक्ष्मी जी का जो मंत्र है ओम श्रीम श्रीयै नमः, इस तरह से करना है। और हनुमान जी का जो मंत्र है ओम हं हनुमते नमः, या हनुमान चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं अगर आपको मंत्र जाप नहीं करना है तो। तो इस तरह से आपने पूजा करनी है और माँ लक्ष्मी जी की आरती करें। ये सब आप जो जाप कर लेंगे उसके बाद, और तीन बार आपको शंख बजाना है, और सबसे लास्ट में होगी माँ लक्ष्मी जी की आरती। सभी भगवानों की आरती नहीं की जाती है, इस दिन केवल माँ लक्ष्मी की आरती होती है। बाकी हमने सबका जो जाप है, मंत्र जाप है, वो कर लिया है। और भी जैसा आपके यहाँ होता है आप वैसा कीजिएगा। मैं जैसे पूजा करती हूँ वो विधि मैंने आपको बताई है, दीपावली पूजन की बहुत ही सरल विधि मैंने आपको बताई है। हाँ, अगर इसमें कोई गलती हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा। जिस तरह से मैं अपने घर में पूजा करती हूँ वही विधि मैंने आपको बताई है। तो वैसे तो विधि विधान बहुत होते हैं अगर जैसे पंडित जी जो बताते हैं, पर सभी के लिए वो संभव नहीं होता इस तरह से पूजा करना, इसलिए मैंने आपको ये बताया है।